मेरा नाम सागर दुलानी है, मैं कोटा में अटक गया था। मैं प्रॉपर इंदौर से ही हूँ। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने हमको वहाँ से, जो भी हम वहाँ फंसे हुए थे, जितने भी स्टूडेंट्स, उन्होंने हमको वहाँ पे अरेंजमेंट किया, यहाँ पे इंदौर वापस बुलाया है। बहुत उन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, प्रॉपर इनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिला है। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सभी गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है, प्लीज़ 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 उसका पालन कीजिए। मध्य प्रदेश प्रशासन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोटा में पढ़ती थी, लॉकडाउन के दौरान मैं वहाँ फंस गई थी, आने का कोई वो नहीं हो रहा था। मध्य प्रदेश सरकार की वजह से आज हम लोग अपने घर आ पाए हैं, तो हम उनका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मेधावी प्रिया है, मैं कोटा में पढ़ती थी, मैं वहाँ पे लॉकडाउन में फंस गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हमें ये सुविधा दी कि हम वहाँ से अपने घर आ सके, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का और यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी का धन्यवाद करती हूँ। अपूर्वा पाठक, कहाँ से हो? इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने जी, मध्य प्रदेश सरकार ने बचाया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे हम मेंटली भी परेशान हो रहे थे, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। और मैं चाहती हूँ जैसे मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश ने किया, वैसे बाकी जगह के भी लोग ये करें बच्चों के लिए। मेरा है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, मैं कोटा में कोचिंग के लिए गई थी और बहुत दिनों से फंसी थी, और थैंक यू टू MP गवर्नमेंट जो हमें मतलब टाइम से ले आई, सब अच्छे से करवा दिया। कल्पना कह रहा हूँ, मैं यहाँ इंदौर से। मैं मध्य प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम कोटा में फंसे थे एक महीने से, तो हमें उन्होंने इतनी सुविधाएं दी, सारी इतनी हेल्प की, उसके लिए मैं उनसे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। किसी कॉलोनी में तो उनके घर के लोगों को, पॉजिटिव पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते हैं और उनकी सैम्पलिंग कराते हैं। ये मतलब प्रिकॉशनरी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जो भी आपका ये लगेज वगैरह है, इसको भी आप लोग सैनिटाइज करके ही घर के अंदर ले जाना। अभी आप घर के बाहर रख देना जहाँ भी आपका, फिर इसके जो आफ्टर सैनिटाइजेशन ही इसको घर के अंदर ले जाना, क्योंकि किसी में भी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो 10-12 पॉइंट्स हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। संपर्क में आए, खासकर बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों से ना मिलें, क्योंकि इसमें जो छोटे बच्चे होंगे बिलो 10 ईयर्स और एवव 60 वाले, है ना, आपके दादा दादी वगैरह, उनसे थोड़ा
मतलब उनसे डिस्टेंस रखना है, उनके आसपास नहीं रहना है, हर समय मास्क का उपयोग करना है, घर में भी आपको मास्क पहनना है, यात्रा कहीं नहीं करनी है। यात्रा तो आपने देख ही ली है, कठिन यात्रा करके आप लोग आए हो, तो अब यात्रा करने की तो अभी सोचोगे ही नहीं, करना भी नहीं है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे कहीं जाना नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉलोनी में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो भाई बच्चा आया है, अभी बात करते हैं वहाँ कैसा चल रहा है, कोटा में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वैसी जगहों पे अपने को जाना नहीं है। मतलब इस डर से घर के अंदर नहीं रहना है कि पुलिस आएगी और हमको कुछ करेगी, हमें खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन में ही रहना है, ठीक है। अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना है और सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। सैनिटाइज़र भी हम लोग दे रहे हैं आपको यहाँ पर, और हमारे साथ ये डॉक्टर्स की पूरी टीम है, हमारे तहसीलदार हैं जो आपको लेकर आए मिस्टर पांडे, और ये हमारे नायब तहसीलदार हैं, है ना। तो पूरे लोग जो हैं आप लोगों की खैरियत से आप लोग यहाँ तक आ जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी तैयारियाँ की थी और करीब 4000 बच्चों को वहाँ से कोटा से यहाँ तक लाए, और इंदौर ज़िले के जो बच्चे थे वो आप लोग आगर मालवा के थ्रू यहाँ आए। अभी जो इंदौर का माहौल है तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ पर हो गए हैं, और अब अगर कोई आता है तो उनको पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि उनमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, बट आप लोग चूँकि यंगस्टर्स हैं और इतने दिन, सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक एक बच्चे को आपको बुलाकर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, सिम्टम्स पूछेंगे, है ना। और इसमें अपने को फेयरली बताना है, मतलब इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है कि अपन सोचेंगे कि नहीं यार इनको कैसे पता चलेगा, तो वो क्या होगा कि फिर 4 दिन बाद पता चलेगा, तो सबकी मॉनिटरिंग हो रही है तो वो और ख़राब हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो वो और ज़्यादा दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है।